Hello students, today I am going to explain you all subject GK of class 6. Chapter number 15, the name of the chapter is tall measure. Okay, यहाँ पे कुछ instruments दिए गए हैं और नीचे box में जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आपको बताना है कि कौन से मतलब किस instrument से measure किया जाता है. Okay, so first is speed of wind. Speed of wind जो है वो measure किया जाता है. यहाँ पे है 9 नंबर पे एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर के द्वारा स्पीड ऑफ विंड जो है मेज़र किया जाता है, तो आपको यहाँ बॉक्स में ए लिखना है. ओके, बी इज़ प्योरिटी ऑफ मिल्क. मिल्क की प्योरिटी किससे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा, तो आपको लैक्टोमीटर के जो बॉक्स है उसमें बी लिखना है. ओके, नाउ सी नंबर इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में जो मोशन होती हैं उसको किससे मेज़र किया जाता है, तो वो सिस्मोग्राफ से मेज़र किया जाता है, तो आपको यहाँ पे सी लिखना है. ओके, नाउ डी नंबर इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, तो ये जो है ये मापी जाती है डी नंबर यहाँ पे है हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर के द्वारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मापी जाती है, तो डी नंबर आपको यहाँ लिखना है. ओके, नाउ ई इज़ अमाउंट ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल का अमाउंट किससे मापा जाता है, तो वो है फर्स्ट नंबर पे रेन ग्यूब, तो रेन ग्यूब से अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मापा जाता है, तो यहाँ आपको ई लिखना है. ओके, एफ में है एयर प्रेशर. एयर प्रेशर किससे मापी जाती है, एफ नंबर, तो ये मापी जाती है. ओके, वेयर इज एफ, वेट, ये है यहाँ पे थर्ड नंबर पर है ये बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या मापी जाती है, ये एयर प्रेशर मापा जाता है. ओके, नाउ जी नंबर पर स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स. मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है जी नंबर पे, ये है रडार गन. जो रडार गन होती है उससे क्या मापी जाती है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, फिर एच नंबर पे है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है किसके द्वारा, वो मापा जाता है एक अमीटर द्वारा. ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अमीटर के पास क्या लिखेंगे, एच. ओके, नाउ आई नंबर पे है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल किससे मापी जाती है, आई नंबर है ये, तो आई हम कहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे सेकेंड में ओडोमीटर. ओके, ओडोमीटर से हम मापते हैं, तो यहाँ पे आई लिखेंगे. ओके, नाउ जे इज अमाउंट ऑफ लाइट. लाइट का अमाउंट किससे हम मापते हैं, तो वो हम मापते हैं लाइट मीटर से. ओके, तो यहाँ पे आपको जे लिखना है. फिर उसके बाद है के नंबर पे एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड हमें किससे मापते हैं, के नंबर ये कहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ सिक्स नंबर पे है एल्टीमीटर, तो एल्टीमीटर से हम मापते हैं, यहाँ आपको क्या लिखना है. नाउ लास्ट वन इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स. सो ये किससे मापा जाता है, एल नंबर, ये एक स्पीरोमीटर के द्वारा मापा जाता है. ओके, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, एल. ओके, सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.